रूल्स फॉर न्यू यूट्यूबर्स। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो जो कि 2019 में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये 10 रूल मैंडेटरीली फॉलो करने हैं। जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंडोरा केपलर के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं, वक्त हो चला है इंट्रो का। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि YouTube ऑलरेडी एक बहुत क्राउडेड प्लेस बन चुका है, यहाँ पे बहुत ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं और आप लोगों के लिए स्कोप नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में वीडियो अपलोड करते हो और क्या अपलोड करते हो, आपका कंटेंट कैसा रहता है। जैसे अभी भर भर के टेक रिव्यूज चैनल हो गए, अगर आप एक टेक कैटेगरी में घुसोगे तो आपका कंटेंट इतना तगड़ा होना चाहिए ताकि आपको व्यूज़ और यू नो शेयर्स, लाइक्स, कमेंट्स या सब्सक्राइबर बेस आपका बढ़ पाए। अगर आपका कंटेंट इतना तगड़ा नहीं है तो उसकी विजिबिलिटी ही नहीं होगी। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अपना वीडियो अपलोड करते हो। तो पहला ऑप्शन रहेगा द सिलेक्ट द टाइप ऑफ चैनल यू वॉन्ट टू मेक। कुकिंग एक क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे कुकिंग वाले वीडियोस और यू नो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। टेक रिव्यूज चैनल अगेन एक क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे छोटे मोटे, बड़े नाटे मोटे सब है यहाँ पे। तो आप देख के डिसाइड करके सोच लो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको टेक में इंटरेस्ट है तो बाकायदा आप टेक रिव्यू चैनल एक करो, क्योंकि टेक वाला अगर आप हो तो आप ऑब्वियसली हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर पाओगे, आप टेक के बारे में ही बात करोगे। तो अगर आप एक टेक लवर हो तो आप टेक चैनल बनाओ, आप एक हिस्ट्री लवर हो तो हिस्ट्री के बारे में बताओ, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। नंबर सेकंड, प्लान 6 मंथ्स अहेड। 6 महीने की तक सोच के आप अपना चैनल क्रिएट करो, क्योंकि इस पे आपको डिपेंड करता है कि आप 6 महीने में अपना चैनल को कहाँ देखना चाहते हो। तो वही हिसाब से एक टाइमलाइन बनाइए कि अगले 6 महीने में आप क्या क्या करना चाहते हो और उसको अचीव करने के लिए आप बेझिझक अपना प्रयास करें। जैसे कि आप टारगेट करते हो कि एटलीस्ट 6 महीने में मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, या तो 6 महीने में मेरा 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो ये 10,000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप अपना कंटेंट को कितने अच्छे तरीके से बनाते हो और कौन कौन इसको वीडियो व्यू करता है और आप अपने चैनल पे ट्रैफिक लाने के लिए क्या कर रहे हो। तो प्लान 6 मंथ्स इन एडवांस। तीसरा पॉइंट रहेगा, मेक एटलीस्ट 3 वीडियोज ए वीक। मैं तो मैंडेटरीली नहीं बोलूंगा कि 3 वीडियोज ए वीक। अगर आप एक मूवी रिव्यू चैनल हो तो आप हफ्ते में 1 रिव्यू करोगे, 2 रिव्यू करोगे, 3 रिव्यू करोगे, जितनी मूवीज निकलेगी उनकी रिव्यू करोगे। आप एक सीरीज़ की रिव्यू कर रहे हो तो रोज़ नए सीरीज आ रहे हैं टीवी पे, यू नो इंटरनेट पे, यू नो नेटफ्लिक्स पे कर सकते हो। आप एक टेक रिव्यूअर हो तो नए चीज़ डेली रिलीज हो रहे हैं तो उनका रिव्यू आपको डेली करना पड़ेगा, डेली वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। आप एक एजुकेशनल चैनल हो, एक एंटरटेनर हो, तो आप अपना आप अपना दिन डिसाइड कर लेते हो, या तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या तो ट्यूजडे और थर्सडे, या तो सैटरडे और संडे, डिपेंड करता आप कब अपलोड करते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो एडवांस में बना के रखनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने चैनल पर ट्रैफिक कैसे लाते हो। लोग क्या करते हैं, एक चैनल बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ उसको शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स, अदर या आप मेल भी करते हो। लेकिन दोस्तों ये करना बंद कर दो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली आपके पापा मम्मी, मौसा मौसी, नाना नानी, यू नो मामा मामी, ये लोग रोज़ आपके वीडियो नहीं देखेंगे। हाँ, पापा मम्मी आपके रोज़ आपको वीडियो देख सकते हैं जितना भी आप वीडियो अपलोड करोगे, लेकिन बाकी लोग नहीं देखेंगे, बाकी लोग भूल जाएंगे इसके बारे में। आपके दोस्त भी इस वीडियोज़ को नहीं देखेंगे रोज, जब तक कि आप उनको चैनल में आप उनको शेयर करोगे। और व्हाट्सएप पे तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि बस वीडियो ही दिखाई देता है और कुछ बाकी का दिखाई नहीं देता है, अनटिल एंड अनलेस यू क्लिक ऑन द लिंक। तो लिंक पे आप जब क्लिक करते हो तभी जाके वो आपको यूट्यूब के ऐप पे ले जाता है या वेबसाइट पे ले जाता है, और अगर आप थंबनेल पे क्लिक करते हो तो वीडियो वहाँ पे आता है, लाइक शेयर और कमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो इससे ये होता है कि बस आपका चैनल व्यू इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप शेयर कर रहे हो, वो ऑर्गेनिकली नहीं आ रहा है, उसको ज़बरदस्ती उस पर ट्रैफिक लाया जा रहा है। तो आपका हमेशा टारगेट यही रहना चाहिए कि आप ऑर्गेनिकली कैसे यूट्यूब के अंदर से कैसे ट्रैफिक अपने वीडियो पे लाते हो। तो इसीलिए अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर मत कीजिए, सबको बताइए यार ये मेरा चैनल है, सर्च कर लो, या तो शेयर भी कर सकते हो आप अपने चैनल को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब अगर कर रहे हो तो देखना ज़रूर, अगर देखने के प्लान में नहीं हो तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि मैं ऐसे
किया तो कभी हूँ नहीं, मैं एक दो जन को शेयर किया था, उनमें से कोई कोई देखता है कोई कोई नहीं देखता, इसीलिए मैं शेयर करना ही बंद कर दिया, और मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। नंबर 5, एक्सपेरिमेंट विद द टाइटल, कीवर्ड्स एंड टैग्स। जैसे कि आपने एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर दी और ऑलमोस्ट 2 या 3 महीना हो चुका है, बस उस पर 20 व्यूज़ आए हैं या 25 व्यू आए हैं या 50 व्यू आए हैं या व्यूज़ आए ही नहीं है, तो आप उसको डिप्रेस्ड मत हो जाइए ये बात को सोच के कि उस पर व्यूज़ नहीं आए। क्यों व्यूज़ नहीं आए ये मैटर करता है, क्या इसी बारे में और ढेर सारे वीडियोज़ हैं, क्या उसी बारे में आपने वीडियो रिलीज़ की हुई है इसीलिए आपको व्यूज़ नहीं मिले, और आप नए एक यूट्यूबर हो, आपका कंटेंट इतना तगड़ा नहीं होगा इसीलिए वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आए। तो आप हमेशा अपने कीवर्ड्स के साथ प्लान कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो, आज कीवर्ड्स दे दिए इसका मतलब यही नहीं कि टैग्स यही रहना चाहिए, टाइटल यही रहना चाहिए, तब तक चेंज करते रहो जब तक एक ट्रैफिक नहीं आता। आपके पास टाइम होगा तो ये करोगे, अगर टाइम नहीं होगा तो मेरे जैसे छोड़ दोगे। नंबर 6, 2019 में यूट्यूबर बनने के लिए आपको क्वालिटी पे 100% ध्यान रखना है, विजुअल क्वालिटी, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और कंटेंट कैसा है, उसका होस्ट कैसा है, होस्ट कैसे बात करता है। ऑब्वियसली हम सब परफेक्ट नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वीडियो देख के क्या लोग आपको समझ पा रहे हैं, कैन यू कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस। अगर आप ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो व्यूज़ कभी आएंगे ही नहीं, और भले आपके वीडियोज़ पे 5 या 10 व्यूज़ आए, कंसिस्टेंसी आपको हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यू शुडेंट केयर अबाउट हाउ मेनी व्यूज़ यू गेट, आपका अगर टारगेट है कि दिन महीने में आपको 20 वीडियोज़ अपलोड करने हैं, तो नो मैटर हाउ मेनी व्यूज़ यू गेट, आपको 20 वीडियोज़ अपलोड करने हैं, कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखिए क्वालिटी के साथ। नंबर 7, थंबनेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रैफिक को आपके वीडियो पे लाने के लिए। थंबनेल्स को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए कि वो किसी को दूर से खींच के लेके चला आए। दोस्तों ज़्यादातर ये होता है कि मान के चलिए अगर आपको आपका थंबनेल्स इतना तगड़ा नहीं है और आपका टाइटल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहीं पर आपने 90% आपका ट्रैफिक नहीं आएगी, जो 10% आएगी वो आपको सब्सक्राइब नहीं करेगी, 100% लोगों में बस 10% लोग ही एक वीडियो एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो कंटेंट पे देखकर। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं देख लो, उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, लेकिन मिलियंस ऑफ मिल मान के चलिए किसी का 100 मिलियन व्यूज़ है, लेकिन उसका सब्सक्राइबर बेस 10 मिलियन तक ही सीमित है। यही साबित करता है कि 10% लोग ही आपके वीडियोज़ को आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो कंटेंट के साथ साथ आप थंबनेल पे ध्यान दो। थंबनेल बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसके बारे में मैंने यही चैनल पे एक वीडियो शेयर किया हुआ है, तो ऊपर वाले ये लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। नंबर 8, आप कोई भी एक यूट्यूबर को जानते हो जिसका एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग मतलब उसका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है, तो उनको इन्फ्लुएंसर्स माना जाता है। इनको मैं बड़ा या छोटा यूट्यूबर नहीं बोलूँगा, इनको मैं बोलूँगा मोर सक्सेसफुल यूट्यूबर्स। तो ये मोर सक्सेसफुल यूट्यूबर्स कभी कभी आपको हेल्प करने के लिए शाउट आउट कर देते हैं अपने चैनल पे, लेकिन मैक्सिमम ऐसे यूट्यूबर्स इसके लिए चार्ज करते हैं, कोई 5000 चार्ज करता है, कोई 10000 चार्ज करता है, यहाँ तक तो मैंने सुना है कि लाखों रुपए भी चार्ज करते हैं बस शाउट आउट के लिए। और यूट्यूबर्स पागल भी होते हैं, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप लाख रुपए देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज रन ए एडवर्ड्स कैंपेन। अगर आपको एडवर्ड्स के बारे में पता नहीं है तो आप आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो एडवर्ड्स कैंपेन्स कैसे रन किए जाते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको एग्जांपल दे देंगे, आप सीख भी पाओगे। तो 5000 रुपये क्यों आप किसी को शाउट आउट के लिए दोगे, वही 5000 रुपये आप क्यों यूट्यूब पे खर्चा ना करके आप अपने चैनल पे ट्रैफिक लाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप ये कर सकते हो, और प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी को पैसा मत दो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। प्रमोट करने के लिए यूट्यूब ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने एड्स रन करके अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हो। नंबर 9, कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने पहले बोला, आपको हमेशा बनाए रखनी चाहिए।
आपका अगर टारगेट, जैसे मैंने दूसरे पॉइंट में बनाया था सेट योर प्रायोरिटी सेट योर टारगेट, अगर आपका टारगेट है 6 महीने में आप 120 वीडियोस अपलोड करोगे तो आपको 6 महीने में 120 वीडियोस अपलोड करने हैं ही। अगर आप 120 वीडियोस अपलोड करते हो तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 मिनट्स का वॉच टाइम कंप्लीट ना हुआ हो। नंबर 10, हर महीने आप अपना चैनल का इवैल्यूएशन कीजिए। आप देखिए कि कौन सा वीडियो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वीडियो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसमें क्या कमियां हैं। उस वीडियो को दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के सेम टॉपिक पे वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए, उनका वीडियो कैसे चल रहा है, आपका वीडियो क्यों ऐसे नहीं चल रहा है। चैनल का ग्रोथ और चैनल के सब्सक्राइबर बेस, चैनल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप socialblade.com पे जा सकते हो। ये वीडियो में मैं इनको एंडोर्स नहीं किया हूँ, ये बस इन्फॉर्मेशन है, आपको बता दे रहा हूँ। सोशल ब्लेड से आपको पता चल जाएगा कि आपके कंपटीटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप ट्यूब बडी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, उनका एक पेड सर्विस है जो ट्यूब बडी प्रो सर्विस, शायद $20 पर मंथ के हिसाब से है, तो उनका ट्यूब बडी का सर्विस भी आप ले सकते हो। वो आपको वो SEO और कंटेंट फ्रेंडली काम करवाते हैं। आप एक बार उनके वेबसाइट पे जाइए, उनका ट्यूटोरियल्स देखिए, आप समझ जाओगे। अगर मैं कभी खरीदता हूँ ये टूल्स तो मैं ज़रूर एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, आप शेयर कर लूँगा, आप लोग देख भी सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप ऑलरेडी दे दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल वाले आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।